खबर श्री गंगानगर जिले में लोकसभा चुनाव के पहले फेज में नामांकन भरने का आज अंतिम दिन था, जिसके चलते कांग्रेस बीजेपी दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बता दें कि बीजेपी से प्रत्याशी प्रियंका बेलान ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा ने अपना नामांकन दाखिल किया। जानकारी के अनुसार नामांकन के बाद कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशियों ने जनसभा कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। आप सबकी शुभकामनाएं लेना चाहूंगी। नामांकन भरा है और आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जी जान लगाकर जनता के बीच में जाएंगे और विजय प्राप्त करने का संकल्प के साथ में विजय श्री होने का। गंगानगर की बेटी होने के नाते यहाँ की समस्याओं को मन से समझा है और किसान, महिला, युवा और हमारे जो नहरों के मुद्दे हैं उन सबको लेकर के समस्या के लिए चिंतन मेहनत करता है, इनको कम करने का काम करता है। गंगानगर में हमेशा हमारा लोगों से जुड़ाव रहा है। मेरे पिताजी एक लंबे अरसे यहाँ विधायक रहे और लोगों से जुड़े रहे और मैं भी यहाँ पंचायत राज से 95 से पंचायत समिति का सदस्य निर्वाचित हुआ था, जो सबसे छोटा चुनाव होता है, और तब से लेकर आज तक मैं लगातार लोगों की सेवा में लोगों के समस्याओं के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ। चाहे वो IGL की बात है, चाहे वो भाखड़ा की बात है, चाहे गंग कैनाल की बात है, और जो भी विषय या मुद्दे आए उनको लेकर गंगानगर जिले के तमाम उन मुद्दों को लेकर मैं संघर्ष मैंने हमेशा किया और यहाँ के लोगों से लोगों की सेवा के लिए हमेशा मेरा परिवार हाजिर रहा है। चाहे वो मेरी माता जी, चाहे मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन रही, ये सब लोग लोगों के द्वारा वोटों के मतदान से निर्वाचित होकर निर्वाचित हुए, तो लोगों की भावना थी जिसके कारण हम निर्वाचित हुए, तो एक जुड़ाव हमारा यहाँ के लोगों से।